जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के सब अधिकारी में और सबको जब जब नाम लो तो फिर अपर विरोही तो देखा तो सबों 25 चेहरा दिखाते तो सब जनकल से समझ जाते भी हर्षोल्लास के साथ पूरा प्रदेश में हम सब मनाते हैं। हर साल की तरह यूं जोड़ा जय खान के दर्शन गुरु गद्दी के दर्शन करे के बाद आप सब के दर्शन करे का अवसर मिले। कल ही हमारे सरकार के 3 साल पूरा हुई और ये 3 साल में या 1 साल चुनाव में अमल बीतीस और 2 साल कोरोना में और कोरोना बहुत परेशान करे सब खेवन खेवन लॉकडाउन करा थे 144 लगा थे यहाँ आए जाए में परेशानी तो कभी इलाज के कभी दवाई के रोजी रोटी भी प्रभावित हुई। लेकिन हमर छत्तीसगढ़ में हमर न ऑक्सीजन की कमी होते न रेमडेसिविर की कमी होते न बेड की कमी रही से सबके इलाज और इन्हें हमर बाबा जी के संदेश है मानवता की सेवा करना जीव मात्र की सेवा करना ये जो संदेश हमर पूरा छत्तीसगढ़ में व्याप्त होकर असर कोरोना काल में तो पड़ोसी की मदद नहीं कर रहे थे लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई समाज ऐसे कोई वर्ग ऐसे कोई जनप्रतिनिधि ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं जो पूरा अपन ताकत के साथ पूरा क्षमता के साथ काम न करे सब मिलके काम करें। खासकर हमारे जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी है पंचायत के अधिकारी कर्मचारी है नगरीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी है सफाई कर्मचारी है हमर गुरु जी मन है हमर जैन पीडीएस के दुकान चलाते हमर पंचायत के सचिव हमर जन सरपंच है जनपद सदस्य है जिला पंचायत है पंच मन है हमर पार्षद मन है सब जन मिलके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी से लेके कलेक्टर तक पुलिस के सिपाही से लेके एसपी तक आईजी तक सब जते भी जगह से जैसे बन पड़ी वो सब काम करी हम तो अपन प्रदेश की जनता की सेवा करवे करें दिन दूसर प्रदेश के भी आए तो अतका विश्वास छत्तीसगढ़ के ऊपर रही से छत्तीसगढ़िया मन ऊपर रही से यदि हम बाघ नदी बॉर्डर में भी आ जाबो यदि रायपुर के टाटी बंद चौक तक के भी पहुंच जाबो कैसो करके तो हमर प्रदेश के सीमा तक के चाहे वो झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उड़ीसा हो ये सीमा तक के हमला छत्तीसगढ़ के साथी मन जरूर हमला छोड़ी और उनका विश्वास में मन खरा उतरे न के मतलब सीमा तक के छोड़े काम करें बल्कि पर मन के भोजन के व्यवस्था पानी के व्यवस्था दवाई के व्यवस्था पैदल चलत चलत आते तो मुझे चप्पल टूट जा रही थी चप्पल जूता तब व्यवस्था करे को देश में को राज्य नहीं हो जा ऐसा काम हो लेकिन छत्तीसगढ़ में करे ये काकर से संभव हो ये सब हमारे मन के एकजुटता है भाईचारा प्रेम है और प्रेम और भाईचारा संदेश कहाँ से ये जो जोड़ा जय खान खड़े जिसका संदेश बाबा गुरु घासीदास जब सतनाम के रास्ते में चले थे सत्य के रास्ते में चले थे सत्य रही तभी तो शांति की स्थापना हुई तभी तो भाईचारा है तभी तो प्रेम है तभी समानता की बात तो ये संदेश थे बाबा जी संदेश और कारण से बड़े संकट सेवन है लड़े वर हम सक्षम हुए तो उकर भर पूरा छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 मन के मन में बधाई देना हूं शुभकामना देना हमार सरकार बाबा जी के रास्ता है उसका संदेश है सत्ता मूलक समाज समानता के भाव
अवसर पर जरूरी है कि हमर आर्थिक रूप से हर परिवार संपन्न हो। ऐसे कोई व्यक्ति मत रहे जेकर घर में अनाज ना हो खाए बर, ऐसे कोई व्यक्ति न हो जो इलाज ना मिले, ऐसे कोई व्यक्ति ना हो जेकर लड़का मन शिक्षा की व्यवस्था ना हो। हमारे सरकार सबसे पहले काम करे किसान मन के ऋण माफी, 18 लाख किसान के 9000 करोड़ रुपए मन माफ करे। हमारे सरकार 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करे शुरुआत करे। केंद्र सरकार अड़ंगा ऐसा 9000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे। आज धान 2540 रुपए पड़ते, पिछले साल तो 2500 पड़े, हम तो वादा करें 2500, लेकिन ये साल 2540 रुपए पड़ा धान की कीमत। हमारे 9000 में कमती नहीं करें, अगले साल को 100 रुपए समर्थन मूल्य पाएंगे तो समझ लो 2640, और चुनाव साल में हो सकते 150 रुपए बढ़ा दी तो वो 2728 को दिल ना आ जाए। हम कमती नहीं करें 9000, हम वादा करें 2500 के। आज हिंदुस्तान का दुनिया कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं है जे किसान ल 2500 रुपया दे दो, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये बाबा जी के प्रदेश या किसान मन ल 2500 रुपया क्विंटल। बार बार करूंगा, हम 5 लाख गठान मांगे भारत सरकार ले, लेकिन दिक्कत का 1 लाख 20% उकर बार हम कह दिए कि समस्या विधान ढूंढना है। तो 15 साल तो पिछले साल तो 15 रूपया बागवाना की मदद करे नहीं, तो 25 रूपया कर दे। और पहली दिन से के किसान मन अपन बारदाना है लाभ कर, और कारण से आज पूरा प्रदेश में धान खरीदे होते। आज 18 तारीख कल 17 तारीख का अधिकारी मन में पूछत रहे कद का धान खरीदी होगी, तो उन बता रहे थे कि 26 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, 28 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होगी। मतलब 15 दिन बीते हैं, हमारे टारगेट 1 करोड़ के है और 15 दिन में 4 आना कंप्लीट। तो हमारे धान के खरीदी की व्यवस्था, धान के उठाव की व्यवस्था और किसान मन के सहयोग से जिन बारदाना कमी हमारे अड़ंगा डाला थे भारत सरकार, वो दूर करे। चाहे किसान मन के सहयोग से, ये दुकानदार मन है तेकर मन के सहयोग से, राइस मिलर है तेकर मन के सहयोग से बात होना कभी हम पूर्ति कर। हमें उतना चावल नहीं ले कहा भारत सरकार ने, तो उतना चावल नहीं ला तो हम वही पहली बता देते बोली पहली। अभी जैसे मैं किसान मन लग कही देखें भाई भारत सरकार उतना चावल नहीं लेते तो एक वक्त धान जब बहू ना तो उसमें क्वालिटी के मत हो और वह क्वालिटी धान बने ते ना तो बोलो, ताकि भारत सरकार ने हम और वह चावल दे सका। जब टूट आ देते धान लगे बोझी अभी हमारे बता दे सबको ये माध्यम से कि अगले साल जो धान बहो तो और वह क्वालिटी का रहा, जब टूटा मत। लेकिन ये साल खरीदल कहा था हमारे तो रही नहीं का रंगा डाला थे, ओकर बावजूद भी आप सबके आशीर्वाद, बाबा जी के आशीर्वाद से धान खरीदी पहली का 60 लाख मीट्रिक टन हो गई थे, अब वो 1 करोड़ में नहाके जा 16-17 हजार करोड़ जा रहे किसान के खाता में, एक 27-28 लाख करोड़ रुपया जाए। तो लगातार हमारे मन की कोशिश कि किसान मन के आर्थिक स्थिति सुधराए। फिर 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा, 35 किलो चावल सब परिवार ल, पहले 5 किलो दे रही थे, 2 जने 10 किलो, 3 जने 15 किलो। हमारे तो ऐसे है कि पति पत्नी भी है तब 35 किलो चावल मिले, और 5 जन से उपरा हो गए 5 जन तक 35 किलो, 6 जन हो गए तो 42 किलो, 7 जन हो गए तो 49 किलो। तो गरीब आदमी के भी अब तो मना राजीव गांधी भूमि श्रमिक योजना लाए, जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है ओकरो मन पर साल में 6000 रूपया मन देवो परिवार को, मजदूर मन पर, गरीब मन पर ओकरो पर योजना। हमारी योजना की कोई कमी नहीं है, हम
में भी पेरोल पैसा मिल जाए और एक साल में 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदे 108 करोड़ रुपया को उनके जेब में गिर कतको जन गांव में चरोहा मन आज लखपति बन गए कि नहीं बने। एक एक महीना में 20-25-30 हजार रुपए कमा गोबर बेच के कोनो सोचे नहीं गोबर बेचे कतको पैसा कमाए। लेकिन ये आपकी सरकार छत्तीसगढ़िया मन के सरकार ये बाबा जी के रास्ता चलैया सरकार गौ माता पूजा गौ बंद करे पर कौन थी छत्तीसगढ़ में ये सम्मान्य समाज के सब गुरुनाथी दास जी नकुल दास डीडी जी ये वो सब आंदोलन चले तब जाके गोवध हमारे यहां बंद हो गौ हत्या बंद हो। तो आज दूसरा मन तो गौ माता जय भर कह लेते वोट पायल पर कह लेते लेकिन गौ माता को सेवा करे देगा देश में यदि को सरकार करे थे तो केवल छत्तीसगढ़ के सरकार करा थे जिन गौ माता सेवा करे थे। अभी हम आए हेलीकॉप्टर में आधन बेमेतरा जिला देखें मुंगेली जिला देखें दूसर प्रदेश में जाता तो सब पैरल मतलब जला देते लेकिन यहां सब पैरल हुंडी बना के रखे। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां किसान मतलब जन सरकार की अपील कलेक्टर की अपील की पैरल दान करना है कागर पर हमारे मवेशी मंबर हमारे जानवर मंबर और उसका कागर पर जब रही यदि गौठान में पैरा रही पानी की व्यवस्था कर दो छैया की व्यवस्था कर दो तो हमारे फसल माची धान के फसल माची उन्हारी सियारी तेज माची दो फसल आराम से अमल ले सकता है। अभी मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं रात रात भरना पारी कर रहे कागर गरवा जिला है फसल कहां माची बेगर पर लगातार हमारा उनके प्रयास और एक करके वर्मी कम्पोर्ट बना था आप दूसरा जगह देखो तो डीएपी कमी डीएपी पर लाइन लगा थे लड़ाई झगड़ा हुआ थे थाना में एफआईआर हो थे उत्तर प्रदेश के ललितपुर में चार जन आदमी मार गए तुझे फांसी लगा ली जब तुझे लाइन में लगे लगे मार गए खातों भी नहीं लगा और भारत सरकार खातों पूर्ति भी नहीं कर सकता थे तो यही जो नंबर वर्मी कम्पोस्ट है जिन डीएपी बदलम काम है अब नहीं मिली जगह मने छेर भाई है और एक जमीन को उर्वरा शक्ति तक बढ़ना है तेरा गठान अमल बहुत मजबूती के साथ चलाया कि यमर बन मर योजना है गांव वाला बन मर योजना है और स्वच्छता पर हुआ थे। अभी भारत सरकार 3 बार हमारा पुरस्कार दे तहसील एरिया के विभाग 3 बार ले स्वच्छता प्रदेश के पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ मिले। पिछले साल जब हम आए रहे तो यहां गुरु घासीदास जी के नाम से शोक पीर और संग्रहालय बनाए के घोषणा कर रहे हैं। अभी हमारे सप्लीमेंट्री बजट में उगर पर 5 करोड़ रुपए की राशि हमारे बजट में सम्मिलित करें हमें जब का राशि लगे वो कोई कमी नहीं आमदन लेकिन बाबा जी के शोक पीर और बाबा जी संग्रहालय नवा राजधानी में रायपुर में हमारे बनी और तैयारी हमारे हो चुकी पिछले समय आ रहे हैं घोषणा कर रहे हैं और वो बात हमारे ध्यान में रही थे और वो बात हमें करा था प्रतियोगिता के तेकरों मन पर हम पुरस्कार की व्यवस्था करें और उन प्रकार से सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए भी गुरु घासीदास सम्मान 2 लाख रुपया के प्रशस्ती पत्र क्या है दे के काम हमारे लैका मन के प्री मैट्रिक छात्रावास है तेकरों मन के राशि बढ़ाए काम लगातार हम करा था और अभी जैसे आरक्षण के बारे में भाई सी डेरिया बोल चुके हैं मैं वो बात कहूं नहीं दो रहा हूं लेकिन एक बात है कि यहां हमारे में पहली जब उद्घाटन में कहे कि अजोर राज जी के कवि बहुत खला थे ओकर स्मृति ला चीर स्थायी बनाया बस यहां के जिन स्कूल है ये स्कूल होगा यही के जिन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है तेला अजोरदास पाटले के नाम जिसके नाम से करे के मैं घोषणा करा था क्योंकि नाम हमेशा कागज के वही अगर शुरुआत है करे से लालपुर में आज हमारे बीच नहीं है सतनाम आगे बढ़ाए के काम सतनाम के संदेश बाबा जी संदेश जन जन तक पहुंचाए काम अजोरदास जी करत रही थे आज ओकर नाम चिर स्थायी करे बस
हायर सेकेंडरी स्कूल के नामकरण करेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।